व रहमतुल्लाहि व वरक हम सब लोग जब सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं ज़्यादातर लोग अपना मोबाइल चेक करते हैं अनलॉक किया सोशल प्लेटफॉर्म चेक करेंगे या बस वैसे ही स्लाइड वग़ैरह करेंगे और दूसरे कामों में लग जाएंगे सुबह सबसे पहले सोकर उठने के बाद हमें दुआ पढ़ना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नींद से बेदार होते थे तो ये दुआ पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व वलिनशूर तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी बख्शी और उसी की तरफ लौट कर जाना है नींद जो होती है ना ये छोटी मौत होती है तो ये रात के बाद सुबह का मिलना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है बहुत बड़ा इनाम है इसीलिए सबसे पहले हमें सुबह सोकर उठने के बाद सोकर उठने की दुआ पड़ना चाहिए अल्लाह के शुक्र के साथ हमें अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने हमें मौत के बाद छोटी मौत के बाद रात के बाद सुबह नसीब फरमा दी क्योंकि न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं सुबह उठ ही नहीं पाते हैं न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अगली सुबह कर ही नहीं पाते इसीलिए ये सुबह का मिलना ये दिनों का मिलना रात के बाद ये दिन का नसीब हो जाना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नामत है इसीलिए जैसे ही आँख खुले सबसे पहले सोकर उठने की दुआ पढ़ना चाहिए और इससे ही हमें अपनी दिन की शुरुआत करना चाहिए